Assalamu alaikum students, today we are going to start the work on science book. So let's take out the page number 34, 35 and 36. Today we will do these pages, 34 page, 35 on the next page, and we will turn the page and then we will start the 36th page. First of all, you will write date here, that is 2/9/2020, classwork and Wednesday. Where do you live? Which animal are pets? Which are kept on farms? Which are wild? Tick the right box. Pet कौन से हैं, farm animal कौन से हैं और wild animal कौन से हैं. Pet होते हैं जो घरों में आप अपने साथ रखते हैं, farm होते हैं जो farms में आप लोगों ने रखे होते हैं, ठीक है, और wild होते हैं जो जंगल में रहते हैं. So what you will do this work with the help of these instructions. First of all, look at the animals, cat, sheep, lion, dog, cow, giraffe, and last one is elephant. Now they have drawn the columns. Ab column bane mein pet animals ke liye idhar tick karna in boxes mein, farm animals ke liye in columns mein se tick karenge, aur wild mein in mein se tick karenge, theek hai. First is cat. Cat kya hai, aapke gharon mein rakhte hain janwar, to pet hai. Ab in teenon boxes mein pet animals ka column kaun sa hai, pet ye hai, to yahan pe pet mein tick kar diya. Sheep is farm animal, तो फार्म के नीचे शीप के सामने फार्म के नीचे टिक कर दिया. लॉयन वाइल्ड है तो वाइल्ड के नीचे इधर टिक कर दिया. डॉग जो है वो पेट है, वो भी हमने पेट के नीचे यहाँ टिक कर दिया उसके सामने. काओ के सामने यहाँ पे फार्म एनिमल है काओ, वो हमने यहाँ टिक कर दिया. जिराफ वाइल्ड एनिमल है, हमने वाइल्ड एनिमल के कॉलम में टिक कर दिया. और एलिफेंट भी वाइल्ड है, वो भी वाइल्ड एनिमल के कॉलम में टिक कर दिया. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट पेज, राइट डेट अगेन. 2/9/2020, classwork and day is Wednesday. My fruit shop. अब आपने एक fruit shop बनाई है, जैसे stall में fruits लोग रखते हैं. This fruit shop has some empty shelves. कुछ empty shelves हैं उसके अंदर. Can you fill the empty shelves, draw or stick pictures on them? क्या आप वो empty shelves fill up कर सकते हैं? जी बिल्कुल. आप क्या करें, आप इसमें draw करें fruits, ठीक है, जैसे ये दो फ्रूट्स ड्रॉ हुए हैं, या अगर आपको कहीं से अगर मिलता है कोई फ्रूट के पिक्चर तो आप वो पेस्ट भी कर सकते हैं. आप मैंगो ड्रॉ कर लें, आप बनाना ड्रॉ कर लें, आप ऑरेंज ड्रॉ कर लें, आप ग्रेप्स ड्रॉ कर लें, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, ठीक है, वाटरमेलन, कोई भी फ्रूट ड्रॉ कर सकते हैं. हर कॉलम में, हर शेल्फ में आपने डिफरेंट फ्रूट्स ड्रॉ करने, ठीक है. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड. और उसमें कलरिंग भी करनी है, जैसे कि ये एक बच्चे की बुक है, उसने फ्रूट स्टॉक किए हैं, ये इन्होंने एप्पल बनाने की कोशिश की है, ये पियर बनाने की कोशिश की है, ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी, ये ग्रेप्स, मैंगो, ये मेलन, ठीक है, तो आपने खुद से कोशिश करनी है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36. अगेन यू विल राइट डेट 2/9/2020, क्लास वर्क एंड वेडनेसडे. फ्लावर्स, विच फ्लावर इज द सेम एज द फर्स्ट वन कलर्ड. अब ये फर्स्ट पे आपको एक एक फ्लावर दिया, पहले आपने इसमें कलर करना है. फर्स्ट इज ट्यूलिप, लिली, थर्ड इज डेजी एंड लास्ट इज ऑर्चिड, ठीक है. ये आपके पास फ्लावर्स हैं, इनके नेम भी लिखे हैं. अब इन आगे रिमेनिंग जो फ्लावर्स आपको ड्रॉ करके दिए हुए हैं, उनमें से ये वाला फ्लावर कौन सा है, मिडल वाला है, तो आपने सेम कलर्स दोनों में करने हैं, ठीक है. अब यहाँ पे ये लिली फ्लावर है, तो इधर लिली कौन सा है, लिली ये है, आपने इसमें इस जैसा कलर करना है, ठीक है. डेजी में इधर डेजी ढूंढा, ये डेजी है, इसमें ऐसा कलर करेंगे. और ऑर्चिड में आपने कलर जो किया वो ढूंढेंगे, इनमें से जो ऑर्चिड है वो इस जैसा कलर आप इसमें करेंगे, ठीक है. आपने अपने मैचिंग फ्लावर्स को सेम कलर्स करने हैं. अगर डिफरेंट कलर्स कर भी देते हैं तो इट डजेंट मैटर, पर आपने मैचिंग फ्लावर्स को ही कलर करना है, दूसरों को नहीं करना, ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है. कलर्स आप बेशक चेंज कर लें. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्क. पेज नंबर 36, 34, 35 एंड 36 यू विल डू टूडे ऑन बुक, ऑन द बुक, साइंस बुक. And inshallah, we will start the notebook work in our next lecture. Till then, Allah Hafiz.